सीमावर्ती जिले जैसलमेर के वाशिंदों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज यहां के लोगों को निराशा ही हाथ लगी। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री से रूबरू होना था, लेकिन आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के अलावा एक भी लाभार्थी मौजूद नहीं रहा। वहीं जैसलमेर के जिला चिकित्सालय में भी प्रधानमंत्री के संवाद के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, लेकिन यहां पर भी प्रशासन को योजनाओं के लाभार्थियों के बजाय आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को बिठाकर भीड़ करनी पड़ी। जब इस पूरे मामले पर बात की गई तो पता लगा कि सरकार द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम जरूर करवाया गया, लेकिन जैसलमेर जिले में स्वास्थ्य योजनाओं के क्षेत्र में लाभार्थी नहीं होने के चलते किसी को बिठा नहीं पाए। आज का जो ये कार्यक्रम था जिसमें मोदी जी ने स्वास्थ्य के सभी जिससे प्रभावित जो लोग होते हैं, बीमार होते हैं, बीमारी से जो परिवार पर पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव है, गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, उनके स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए लोगों से मन की बात करी है। इसमें लाभार्थी जो थे वो अपने तीनों योजनाओं में से एक ही योजना थी जो जन औषधि केंद्र है, वहाँ से जिन्होंने सस्ती दवाएँ ली है उनके लाभार्थी थे, उनको अपन ने यहाँ पे बिठाया था और उनसे बात करवाने के था, लेकिन क्योंकि जैसलमेर जिले को बाद में उन्होंने वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से ही उन्होंने अपने स्तर से सिलेक्ट किए हैं। और आपको बता दें कि जैसलमेर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद कार्यक्रम था, लेकिन आपको बता दें इस कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारियों के अलावा कोई भी लाभार्थी नहीं पहुंच पाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता शंकर दान। शंकर, आज जनसंवाद कार्यक्रम था पीएम मोदी का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उन्हें संवाद करना था, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई भी लाभार्थी इसमें नहीं पहुंचा, ऐसा क्यों? जी पल्लवी, बता दें कि जैसलमेर जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को लेकर आम जन और लाभार्थियों से इस कार्यक्रम को दूर रखा गया, और इसमें सबसे बड़ी योजनाओं के लाभार्थियों के बजाय आंगनबाड़ी आशा सहयोगी कार्यकर्ता को वहां पर बिठा रखा और चिकित्सा विभाग के अधिकारी ही रहे। परंतु इसमें ये था कि नरेंद्र मोदी जो व्यक्ति चिकित्सा विभाग के लाभार्थी रहे उनसे बात करेंगे, तो चिकित्सा विभाग अपनी नाकामी छुपाने के लिए लाभार्थियों की बजाय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अपने चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को ही इस कार्यक्रम में शिरकत की गई। परंतु ये सब देखने के बावजूद भी इस सबसे बड़े पहलू निशान खड़े होते कि प्रधानमंत्री के जन संवाद में इस कार्यक्रम में भी चिकित्सा विभाग अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे कार्य करती नजर आई। शंकर, जानबूझ के लाभार्थियों को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दूर कॉन्फ्रेंसिंग से दूर रखा गया, क्योंकि मुख्य कारण यही सामने आ रहा है कि किसी तरह का लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है, तो क्या अब उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले का संज्ञान नहीं लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला मीडिया में उछाला गया तो निश्चित तौर पर जिला कलेक्टर ने इस मामले की पहलू करते हुए बताया कि भाई इस मामले की जांच की जाएगी, क्या जैसलमेर जिले में वाकई लाभार्थियों को लाभ नहीं पहुंचा गया है या अपनी नाकामी छुपाने के लिए संवाद कार्यक्रम से जो जैसलमेर की जनता है उसको दूर रखा गया है। धन्यवाद शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।